उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए सुदृढ़ कानून व्यवस्था व श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने पर्वों पर त्योहारों को लेकर की जा रही तैयारियों की भी समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह का मंगल का पर्व और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है। जुलाई महीने में मोहर्रम और कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होने हैं। स्वाभाविक रूप से ये समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। शासन प्रशासन को 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अफसरों को निर्देश दिए वो इस प्रकार हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 15 से 22 जून तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाना चाहिए। गंगा दशहरा के दृष्टिगत गंगा नदी के घाटों की सफाई और साज सज्जा की जानी चाहिए। स्नान कहाँ करना है ये सुनिश्चित हो। सतर्कता के दृष्टिगत गोताखोरों, पीएससी के फ्लूड यूनिट और एनडीआरएफ वो एसडीआरएफ की तैनाती भी की जाए। उन्होंने कहा कि इस समय भीषण गर्मी का समय है, साथ ही त्योहारों का आयोजन भी होना है। ऐसे में गांव, नगर, महानगर कहीं भी रोस्टिंग के नाम पर अनावश्यक पावर कट ना हो। ट्रांसफर खराब होने और फॉल्ट की समस्या का तेजी के साथ निस्तारण करवाया जाए। आम जन की जरूरतों का ध्यान रखें। पूर्व के अनुभव बताते ही जहां स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशील बनाए रखी वहां अप्रिय घटना की स्थिति बनी। हमें इनमें सीख लेते हुए सतर्क रहना है। थाना, सर्किल, जिला, रेंज, जोन, मंडल पर स्तर पर तैनात वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के धर्म गुरुओं, समाज के अन्य प्रतिष्ठित जनों के साथ संवाद बनाए, लोगों के लिए सकारात्मक संदेश जारी करवाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान पहले से ही तय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहीं और कुर्बानी ना हो। विवादित संवेदनशील स्थलों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक दशा में ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो। उन्होंने कहा कि नमाज परंपरा अनुसार एक निर्धारित स्थल पर ही होगी, सड़कों पर नमाज नहीं होगी। आस्था का सम्मान करें लेकिन किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन ना दें। योगी ने कहा कि हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो, इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। यदि कोई भी कानून हाथ में लेने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अराजक तत्वों पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि ज्येष्ठ माह के बड़ा मंगल पर भंडारा आयोजन की परंपरा रही है। आयोजकों को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि प्रसाद खाकर अपशिष्ट सड़क किनारे ना फेंके जाएं। डस्टबिन की उपलब्धता हर भंडारा स्थल पर होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। आम आदमी का विश्वास जीते, हमारी कार्रवाई माफिया के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ नहीं। ये कार्रवाई तेजी से की जाएगी। हर गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचित के हितों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। फील्ड में तैनात अधिकारियों को लेकर सीयूजी फोन किए गए हैं, ये जनता के लिए है। 24 घंटे इसे चालू रखें। हर अधिकारी ये फोन खुद रिसीव करे। जनप्रतिनिधियों को संवाद बनाए रखें, उनकी उपेक्षाओं, समस्याओं को सुने, मेरिट के आधार पर ही उनका निराकरण किया जाए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।